अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं सब कुछ फ़ोन लगा रहा, लाइट ऑन ऑफ कर देगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, फ्राइडे था आज, तो फ्राइडे को तो हमारे घर लाजमी होता दिन में। आदिला बहुत खुश हैं, जंप करे ये करके ये। तो अभी हम जा रहे थे एक रेस्टोरेंट का, उनका बड़ा फेवरेट है वो रेस्टोरेंट, वहाँ से वो मिलते हैं फ्रेंच फ्राइज़ और बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि दाल को जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल सिंपल वाला पसंद होते हैं कि आलू में कोई जो है ना वो फनकारियाँ ना की हुई हो। तो हम लोग अभी वो लेने जा रहे हैं और दो तीन काम और हैं अभी, तो अभी वो भी पूरे करेंगे हम दो तीन काम। तो चलें चलते हैं, अनलॉक कर रहे हैं गेट और यहाँ पे हर खिड़की के पीछे ऐसा कबूतर का घोंसला होता है, यहाँ पर जो है सिर्फ कबूतर होते हैं, चिड़िया नजर नहीं आते। चलो अब गोद में लो, देखिए जूस ना फेंक दे आपके ऊपर, बंद कर दिया मैंने, मैंने बंद कर दिया ना, लॉक खोल दे जूस का और लाइट ऑफ है, अभी हम लाइट भी खोलेंगे यहाँ की, जब को दिन का वक्त है, बट हाँ मुझे पता है पता है यहाँ पर तीन तीन स्विच हैं एक लाइट के, एक खोल सकते हैं। और ये पुरजोश कोशिश है दीवा को डालने की कार सीट में, दाल को बड़ा मुश्किल लगता है इसको इस तरह बिठाना, वो कह रही है खोल के दो। अच्छा मैं खोल के, मुझे मुझे पिला रही है। थैंक यू बोल दे, मैं आपको दे रही है। थैंक यू, कंफर्टेबल हो गई बेटा? इसकी यस्तीन सही कर, एक मिनट क्या हो गया? चलो नाउ यू कैन ड्रिंक इट। चलो गिराना मत दीवा कपड़ों पे, कपड़े गंदे करोगी। और हम तैयार हैं जाने के लिए, मास्क में एक दफ़ा लेकर निकली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मास्क भूल जाती हूँ, निकलना होता नहीं। और मैंने अब अपने बैग में भी दो दो मास्क रख लिए हैं और अब तो मैंने अपने बैग के हैंडल मास्क लटका लिया है, क्योंकि बैग तो मैं लाजमी याद रहता है ना लेके जाना, तो मैंने कहा बस बहुत हुआ मास्क का ड्रामा। क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था कि हम लोग पार्क में गए थे, मैं मास्क ले जाना भूल गई थी, तो मुझे जो है वो नकाब करना पड़ा था, और वो इतनी मुश्किल होती है, मुझे वैसे ही मास्क नहीं पहना था सांस की वजह से, वो नकाब करना पड़ा तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। ओके तो हम चलते हैं। ओके जिसके लिए हमने कोई ऑलमोस्ट आधा घंटा 44 मिनट सफर किया है, बिल्कुल 4 बजे निकले थे। हाँ 4 बजे निकले थे और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ के फ्राइज जाने को बहुत पसंद है, हुम्मस और हुम्मस, यहाँ पे पूरी हुम्मस की ट्रे मिलती है, साथ में रोटियाँ, बहुत अच्छी रोटियाँ मिलती हैं, तो वो जाने को पसंद है। हम लोग यहाँ पर आए लेने के लिए, ज़रा मैं रिलैक्स हो जाऊँ। दीवा पीछे बैठी बेबी शॉक कर रही है, साथ साथ अपना जो है वो क्रोसॉन भी खा रही है। यम है, मुंह पे लग गया। अनिल आ रहे हैं कोई पर्ची वर्ची लेकर। किस चीज की पर्ची लेकर आए आप? किस चीज की पर्ची लेकर आए? ये वो टोकन है ना,
बर्गर भी ले लिया आपने? हाँ पढ़ लिया। वो लहम बर्गर जो मैं खाता हूँ ना वो अच्छा होता है इसका। हाँ। दो पोटैटोज लिए, आई मीन फ्रेंच फ्राइज, दो पैकेट। दो पैकेट और बड़े बड़े होते हैं। हाँ सही है। हम उसकी बड़ी ट्रे ली है और शीश टॉप दो लिए आपके लिए। ये बेकार खा रहे हो फिर तुम? तो योग खिला रही हूँ मैं। अच्छा इसका भूख का टाइम हो गया। शीश टॉप लिया है ना मैंने, शीश टॉप सैंडविच। यम यम, अदीवा की फेवरेट होता है ये वाला। अगर किसी को लेना हो तो ले सकता है। चीज़ पफ होता है, इसके अंदर चीज़ होती है। इसको माइक्रोवेव किया जाए तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है, लेकिन मैंने माइक्रोवेव नहीं किया क्योंकि गर्म हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। ये सामान आ गया हमारा। ये रखूँ किधर है? दीवा से बस बचा के रखना है। देखो तो फिर साइड पे रख दे। कुछ करेगी तो नहीं है यहाँ पे? मैं गारंटी दे नहीं सकती। और सर खाने की चीज़ है ये, तो मैं पीछे भी रख दूँगा, मसला नहीं है। मुझे याद है आ गया, दीवा खराब कर। यहाँ पीछे रख देना उस पे, पीछे ना डिग्गी। और डिग्गी कह रही हूँ बस, इसके पक आगे तो नहीं आएगा। हमारी बेटी जो है ना, ये रहा मेरा शीश टॉप। घर पे रात में खाने के लिए क्या है? बंद है ना। मैं एक हाथ से फोन पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से खोलूँ कैसे? अगर उसको पकड़े आप मेरा फोन पकड़, वो फोन क्या दी कैमरा पकड़ना। मुझे नजर ही नहीं आ रहा। वो क्लिक करो स्क्रीन पर। ये मेरा बर्गर लहम और ये मेरा शीश टॉप। घर से कुछ खा पी कर ही आई थी, मेरा मूड तो नहीं था, लेकिन मैंने ला लिया तो मैं खा लूँगी। एक एक नहीं है से। ये रैपर के साथ रोटी के साथ रैपर क्यों पैक कर देते हैं? ताकि आपको खाने में मुशक्कत हो। ये अदीवा सिर्फ देख रही है बैठ के, मैं भी खिलाती हूँ। रुक जाओ अदीवा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। अभी दानियल गए हैं रोमांसिया, कहते हैं मैं इतना दूर आधे घंटे सफ़र करके आया हूँ तो रोमांसिया जाकर क्यों ना सामान रात के लिए खाने के ले लिया जाए, क्योंकि फिर बार बार थोड़ी आना होता है यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है, जबकि सामान अभी बच गया था। मैंने भी सिर्फ एक ही शीश टॉप खाया, मेरे ख्याल से बर्गर भी रखा हुआ है अभी, तो सामान इसमें है। मैंने कहा था रात को भी खा लेंगे, बट इनका वक्त नहीं, लेकर रख लो क्योंकि फिर ये है कि दोबारा आना होगा नहीं। तो अभी बस ये आते ही होंगे। गए थे रोमांसी, हमें पार्किंग में खड़ा किया हुआ है, थोड़ा दूर पार्किंग है क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड है तो थोड़ा वहाँ पर रश होता है, रोमांसी पर काफ़ी रश होता है, तो हमें थोड़ा दूर खड़ा किया हुआ है। और खुद गए हैं पैदल पैदल ज़रा चलते हुए, पता नहीं है मेरे ख्याल से आते ही होंगे। और अदीवा जो है वो अपना माशाल्लाह खा पी कर आराम से सुकून से बैठी हुई हैं। बीच में थोड़ा सा फैल गई थी बट अभी सही है। और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है और ये अभी स्टार्ट किया। और ये आ गया रोमांसिया का भी सामान। क्या लेकर आए? सब चटनियां हैं। ज़ुर्बियान? ज़ुर्बियान, हाफ ज़ुर्बियान है। सही क्या हाफ बहुत होता है। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।